Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 1999 की फिल्म Fight Club के बारे में, जो एक cult classic है and it is one of the best films ever made. This film is directed by David Fincher और इस फिल्म के lead actors हैं Edward Norton as the narrator, Brad Pitt as Tyler Durden और Helena Bonham Carter as Marla Singer. यह फिल्म एक अडेप्टेशन है फाइट क्लब नाम की एक नॉवल की, जो 1996 में पब्लिश की गई थी और जिसके ऑथर है चक पोलानिक। फाइट क्लब की कहानी है एक आम इंसान की जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है और थक चुका है, और वो उस लाइफ में एक एस्केप ढूंढ लेता है। वो एस्केप क्या है और क्यों इस फिल्म के बारे में आज हर कोई जानता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी टाइलर, पर आज हम फाइट क्लब का फर्स्ट रूल तोड़ने वाले हैं। First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. If you like watching original short films, check out the links given in description and subscribe to our channel. You can find award-winning original short films on our channel. Fight Club एक ऐसी फिल्म है जो एंडिंग से शुरू होती है, जहां नरेटर एक रूम में है और किसी ने उसके मुंह में गन तानी हुई है। People are always asking me if I know Tyler Durden. यहां हम नरेटर को कहते हुए सुनते हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगाए गए हैं जो कुछ ही देर में फटने वाले हैं, और ये बात उसे इसलिए पता है क्योंकि ये टाइलर को पता है। उस रूम में नरेटर के साथ कोई और नहीं, टाइलर ही है, और फिर नरेटर कहता है कि गन्स, बॉम्ब और इन सारी वॉयलेंस का कारण मार्ला सिंगर है। और यहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की पूरी कहानी, जो एडवर्ड नॉर्टन नरेट करता है। इस फिल्म में नरेटर का कोई नाम नहीं है क्योंकि वो हम सबको रिफ्लेक्ट करता है। नरेटर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी मैन हु इज डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी इन लाइफ। वो एक इंसोमनियाक है जो डिप्रेशन में है और अपनी बोरिंग लाइफ में उसे कुछ मोटिवेट नहीं करता। वो रिलैक्सेशन के लिए सपोर्ट ग्रुप्स में जाता है और अलग अलग नामों से टेस्टिक्यूलर कैंसर का पेशेंट बनके स्ट्रेस फ्री होता है, और सपोर्ट ग्रुप्स में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के बाद उसका इंसोम्निया ठीक होने लगता है। फिलहाल ये ही उसका एस्केप है। उसके कम्फर्ट जोन को डिस्टर्ब करने का काम करती है मार्ला सिंगर, जो सेम सपोर्ट ग्रुप्स में आने लगती है और जो खुद एक इम्पोस्टर है। मार्ला के आने के बाद नरेटर को फिर से इंसोम्निया होने लगता है क्योंकि उसका ध्यान अब इस इम्पोस्टर पे ही रहता है। मार्ला से बात करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने सपोर्ट ग्रुप्स की लिस्ट बनाएंगे और एक दूसरे के ग्रुप्स में नहीं आएंगे। नरेटर का बॉस उसे एक बिजनेस ट्रिप पे भेजता है, और उस ट्रिप से वापस आते वक्त नरेटर फ्लाइट में मिलता है टाइलर से, जो एक सोप सेल्समैन है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है जहां टाइलर उसे बताता है कि घर की चीजों से भी बॉम्ब बच सकता है। इससे ये पता चलता है कि टाइलर का नेचर नरेटर से बिल्कुल उल्टा है। जब नरेटर घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में आग लग गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसके बाद उसे जले हुए सामान में से मार्ला का नंबर मिलता है, जिसे वो कॉल करता है, पर बात करने से पहले ही वो फोन रख देता है, और वो टाइलर डर्डन को कॉल करता है जिसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। पहले तो वो कॉल रिसीव नहीं करता, पर फिर उसी फोन पे एक कॉल आता है जो टाइलर का ही होता है। नरेटर उसे सब कुछ बताता है और वो दोनों एक बार में मिलते हैं। यहाँ इन दोनों की कॉन्वर्जेशन में टाइलर के देखने का नजरिया हमें पता चलता है। उसका मानना है कि वो घर और उसकी चीजें सिर्फ चीजें हैं जिनसे इंसान इमोशंस जोड़ देता है। आजकल इंसान असली जिंदगी भूलकर लग्जरीज के पीछे भागता है और सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाता है। टाइलर नरेटर से बिल्कुल अलग है और उल्टा सोचता है। एक तरफ जहां नरेटर आम इंसान की तरह है जो लोगों की भीड़ का एक हिस्सा है, वही टाइलर
एक ऐसा इंसान है जिसे पैसे, काम और आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बात होने के बाद जब नरेटर कहता है कि उसे अब एक होटल ढूंढना होगा रहने के लिए, तो टाइलर उससे खुलकर बात करने के लिए कहता है। बिना डरे उससे टाइलर के घर रहने के लिए पूछने के लिए कहता है, जिसके बाद नरेटर उससे पूछ लेता है और टाइलर उसे घर में आने के लिए हाँ कहता है। निकलने से पहले टाइलर उसे कहता है, मुझे जितनी जोर से मार सकता है मार। इसके बाद नरेटर टाइलर के बारे में हमें बताता है। टाइलर पार्ट टाइम जॉब्स करता है एज अ फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट एंड एज अ वेटर। ये दोनों ही जॉब्स इंटरेस्टिंग नहीं है, पर टाइलर का ये जॉब्स करने का रीजन अलग है। एज अ प्रोजेक्शनिस्ट वो फैमिली फिल्म्स की रील में अडल्ट फिल्म्स का एक फ्रेम डालता है एंड एज अ वेटर वो रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को परेशान करता है। वो इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में एक टेररिस्ट का काम करता है। यह टाइलर नरेटर से उसे मारने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि नरेटर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, और इसके बाद ये दोनों फाइट करते हैं। फाइट के बाद दोनों बैठकर बियर पीते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है इन दोनों की दोस्ती की, जहाँ ये दोनों एक साथ टाइलर के घर में रहते हैं जो कि एक खंडर है। ये दोनों रोज फाइट करके अपना सारा स्ट्रेस रिलीज करते हैं। इन्हें फाइट करते देख बार में से निकलने वाले कई सारे आदमी इनके साथ फाइट करने लगते हैं। नरेटर को समझ आता है कि वो अकेला नहीं है जो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है और एक एस्केप ढूंढ रहा है। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और ऐसे फॉर्म हुआ फाइट क्लब, जो अब उसी बार के बेसमेंट में फॉर्म किया गया है। इसके बाद मार्ला एक दिन नरेटर को कॉल करती है हेल्प के लिए। ओवरडोज की वजह से उसे प्रॉब्लम हो गई थी, पर वो उसे बचाने नहीं जाता बल्कि टाइलर उसके पास जाता है, और इसके बाद टाइलर और मार्ला का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है जो नरेटर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। नरेटर अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है ताकि वो फाइट क्लब के लिए पैसे जमा कर सके और अपनी जॉब छोड़ देता है। कुछ वक्त बाद फाइट क्लब पूरे कंट्री में फैल जाता है और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग फाइट क्लब ज्वाइन करते हैं। टाइलर फाइट क्लब के मेंबर्स को लेकर एक टीम बनाता है जिसका नाम प्रोजेक्ट मेहम है। इस टीम में नरेटर इन्वॉल्व नहीं था। ये टीम हर तरह की वॉयलेंस फैला रही थी और इससे नरेटर बिल्कुल खुश नहीं था। जब इस टीम का एक मेंबर पुलिस शूटिंग में मर जाता है, तो नरेटर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। वो उन हर शहरों में जाता है जहां टाइलर गया था प्रोजेक्ट मेहम के लिए मेंबर्स तैयार करने। वो जहां भी जाता और जिस भी मेंबर से मिलता, वो उसे मिस्टर डर्डन के नाम से बुलाता। इस बात से कंफ्यूज नरेटर उन्हें समझाता है कि वो टाइलर नहीं है। जब वो मार्ला से इस बारे में बात करता है, तो वो भी उसे टाइलर के नाम से बुलाती है। Say my name. Tyler Durden, you fucking freak. What's going on? और फिर उस रात टाइलर नरेटर के होटल रूम में आता है और रिवील करता है कि टाइलर और नरेटर एक ही इंसान है। टाइलर सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, यानी कि नरेटर की दूसरी पर्सनालिटी। और टाइलर की पर्सनालिटी तब बाहर आती है जब नरेटर सो रहा होता है। जब नरेटर इस सब से परेशान होकर घर वापस जाता है, तो उसे पता चलता है कि टाइलर का प्लान क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग्स को बॉम्ब से उड़ाने का है, ताकि कोई भी कर्जे में ना रहे। वो मार्ला को सारा सच बताने के लिए जाता है, पर मार्ला नरेटर के दो अलग बिहेवियर से परेशान हो जाती है और उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। You're the worst thing that ever happened. वो जब पुलिस को इस बारे में बताने जाता है,
तो रिवील होता है कि ये पुलिस वाले भी इस प्रोजेक्ट के मेंबर्स थे। और जब वो बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है तो टाइलर आकर उसे रोक लेता है। दोनों के बीच एक फाइट होता है जिसके बाद टाइलर नरेटर को लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जब नरेटर के मुंह में टाइलर ने गन रखी थी तब नरेटर समझ जाता है कि वो उसने खुद अपने मुंह में रखी है और वो गोली चलाता है। गोली उसके गाल में लगकर बाहर निकल जाती है, पर क्योंकि उसके माइंड के हिसाब से उसने सुसाइड कर लिया है तो टाइलर की पर्सनैलिटी मर जाती है। तभी कुछ मेंबर्स मार्ला को किडनैप करके नरेटर के पास लाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्डिंग्स को गिरते हुए देखते हैं। टाइलर डर्डन सिर्फ एक पर्सनैलिटी था जिसे मार्ला की एंट्री ने ट्रिगर किया था और इसके हिंट्स कई बार फिल्म में दिए गए थे। सिंगल फ्रेम्स में टाइलर फिल्म के स्टार्ट में चार बार दिखता है और इसीलिए टाइलर के बारे में जब नरेटर बता रहा था तब उसने फिल्म प्रोजेक्शन के बारे में भी बताया था, क्योंकि नरेटर उसी तरह टाइलर को अपनी लाइफ में ऐड कर रहा था जिस तरह टाइलर उन फिल्म्स में एडल्ट फ्रेम्स ऐड कर रहा था। नरेटर और टाइलर एक दूसरे से तब बात नहीं करते जब वहाँ कोई तीसरा, ये भी एक हिंट है। पर सबसे बड़ा हिंट तब था जब उन दोनों का एक कार क्रैश में एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे बैठे दो मेंबर्स से जब टाइलर और नरेटर बात कर रहे थे, उस कॉन्वर्जेशन में से अगर टाइलर की बातों को निकाल भी दिया जाए तो वो कॉन्वर्जेशन आधा नहीं लगेगा, क्योंकि नरेटर ही उन दोनों मेंबर्स से बात कर रहा था। एक्सीडेंट के वक्त टाइलर कार चला रहा था, पर जब एक्सीडेंट के बाद वो बाहर आता है तो पैसेंजर सीट से बाहर आता है और नरेटर को ड्राइवर सीट से बाहर निकालता है। टाइलर नरेटर का वो हिस्सा था जो नरेटर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया था, इसीलिए वो नरेटर से बिल्कुल अलग था। नरेटर शांत और सॉफ्ट था तो टाइलर रफ एंड टफ। नरेटर को वायलेंस और क्राइम पसंद नहीं था तो वही टाइलर का माइंडसेट एक क्रिमिनल का था। इस फिल्म में टाइलर का कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि टाइलर नरेटर की ही तरह हम सब के लिए भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम सब बनना चाहते हैं, एक रिबेल जो सोसाइटी में दबकर नहीं रहना चाहता और इस सिस्टम से नफरत करता है। उसके तरीके चाहे गलत हो पर उसका माइंडसेट और उसके ओपिनियंस गलत नहीं थे और इसीलिए उसका कैरेक्टर अट्रैक्टिव है। इन द एंड टाइलर मर जाता है क्योंकि रियल टाइलर ने अब पूरा कंट्रोल ले लिया है, पर टाइलर डर्डन की बनाई लेगेसी खत्म नहीं होती। वेरी वेरी पिस्ड ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।